रखना चाह रहे हैं मित्रों, ये इस भाग को धड़ जो हमारा शरीर है इसे टॉर्सो बोलते हैं, और सेहत अगर सही रहेगी तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एजिलिटी मिलेगी। तो इसके लिए हमें इस तरह से खड़े हो जाना है, अपने दोनों पैर के बीच हिप विड्थ को खड़ा होकर, और यहाँ आगे की ओर आप झुकिए और ये ऐसे सर्कल बनाइए, ये इस तरह से, ये दोनों हाथ फिक्स रहे, दोनों घुटना लॉक रहे, दोनों हाथ कमर पर रहे, ये देखिए इस तरह से, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम क्लॉकवाइज में भी करेंगे, यहां आ गए और यह टॉर्सो रोटेशन बड़ा ही सिंपल है मित्रों, इसे आप आसानी से करके अपने स्पाइन को, स्पाइनल वर्टीब्री को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इन 33 वर्टीब्री के बीच जो डिस्क होते हैं, जो कुशनिंग देते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं मित्रों। इस तरह से आप 8 times क्लॉकवाइज और 8 times एंटी क्लॉकवाइज, कमर पर रहे, ये देखिए इस तरह से, यह है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम क्लॉकवाइज में भी करेंगे, यहां आ गए और यह टॉर्सो रोटेशन बड़ा ही सिंपल है मित्रों, इसे आप आसानी से करके अपने स्पाइन को, स्पाइनल वर्टीब्री को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इन 33 वर्टीब्री के बीच जो डिस्क होते हैं, जो कुशनिंग देते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं मित्रों। इस तरह से आप 8 times क्लॉकवाइज और 8 times एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये है हमारे टॉर्सो रोटेशन। हम देखने जा रहे हैं कास मसल इसे कर रहे हैं, लोअर बॉडी के खेल ये कर रहे हैं, और इसके साथ इसे अपर बॉडी को, लोअर बॉडी के खेल तो हमारे डायर बॉडी अपर भाई हम भी हमारे साथ तो हमारा डायर बॉडी के लिए भाई हम हमारे साथ कीजिए, जो हम तड़ा फॉरवर्ड हाफ रेज ऐसे रेज कर लिए हम यहाँ दोनों, जो हम तड़ा के पोजीशन को देखिए ऐसे रेज, यहाँ आप क्लोज रख आप दोनों एक पैर के पोजीशन को देखिए 2 inch के गैप, यहाँ आप क्लोज रख, यहाँ 1 inch या मैक्सिमम 2 inch के गैप है, और यहाँ रेज की तरफ से और फिर डाउन होते हुए काफ को रेज कीजिए और फिर डाउन होते हुए ये नीचे काफ को रेज कीजिए, आप कोशिश कीजिए वहाँ कुछ देर बने रहने के लिए, थर्ड को कोशिश कीजिए वहाँ को लीजिए देर बने रहने के, काफ रेज थर्ड को लीजिए डाउन, काफ रेज हाथ को भी ऊपर ले जाइए, यहाँ जिससे आपके डाउन आर्म के अपर आर्म के ऊपर ले जाइए, एक्सरसाइज हो जाएंगे आप देर तक बने रहिए, आर्म के अपर आर्म के फिर एक्सरसाइज हो जाएंगे कुछ देर तक बने रहिए, और फिर ये काफ रेज हमारे पैर में दर्द हो जाते हैं, काफ रेज हमारे अकड़न जकड़न पैर में दर्द हो जाते हैं, पैदल चलते अभी कभी और दर्द हो जाते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं काफ का और दर्द महसूस होगा, मसल के लिए फ्लेक्सिबल बनना, काफ का जरूरी होना मसल का मित्रों, हमारे चलने की ताकत जरूरी होगी काफ से, मित्रों हमारे चलने की ताकत फुट को काफ से आती है, जो हमारे पैर मसल है मसल को ऑपरेट कराती है, हम यही मसल है मसल समग्र से, ये हम तरह से ये हाँ स्टार्टिंग और ये स्टार्टिंग, पैर में दर्द हो जाती है कभी कभी, अकड़न जकड़न पैर में दर्द, थोड़ा सा पैदल चलते अभी कभी और दर्द जकड़न हो जाते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते काफ का और दर्द महसूस होना मसल के लिए, यह फ्लेक्सिबल बनना काफ का जरूरी होना मसल का, मित्रों हमारे चलने की ताकत जरूरी होनी काफ से, हमारे चलने की ताकत फुट को ही
ऑपरेट कराती है, जो हमारे पैर मसल है, मसल समूह ऑपरेट कराती है, हम यही मसल है, मसल समूह है। ये कटिंग और ये कटिंग इस तरह से आप, और ये इस तरह से आप कीजिए। अगर आप नाम समझ पा रहे मित्रों तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो हमें ये अगर आप नाम समझ पा रहे मित्रों तो आप आसानी से कर सकते हैं, हमें ये स्टार्टर और बाय प्रारंभिक कंप्लीट भी यहाँ रखेंगे, चेस्ट को और कमर पर हाथ यहाँ रख लेंगे, और जैसा कि बोल रहा हूँ कमर हाथ रख लीजिए, और जैसा कि बोल रहा हूँ होंगे हम इसे रेज करेंगे बजाय डिस्टर्ब, हम इसे यहाँ रेज करेंगे बजाय अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ देखिए 16 टाइम्स आपको सीधा रखना, वन यहाँ यहाँ टू 16 टाइम्स, वन टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स, धीरे धीरे आप फाइव झटका नहीं देंगे, सिक्स सेवन धीरे धीरे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, झटका नहीं देंगे, आप हाथ को यहाँ कैसे रख सकते, नाइन आप हाथ को यहाँ कैसे रख सकते, नाइन वेन आप यहाँ भी रख लीजिए, ट्वेल्व इलेवन यहाँ कोशिश कीजिए, आप यहाँ भी रख लीजिए, ट्वेल्व फोर्टीन यहाँ कोशिश कीजिए, थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन, तो इस तरह से हमने देखा फाइव बिल्डिंग, तो इस तरह से हमने देखा फाइव बिल्डिंग, यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे रेज करेंगे बजाय डिस्टर्ब, हम इसे रेज करेंगे बजाय अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ देखिए 16 टाइम्स आपको सीधा रखना, वन यहाँ टू 16 टाइम्स, वन टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स, धीरे धीरे आप फाइव झटका नहीं देंगे, सिक्स सेवन धीरे धीरे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, झटका नहीं देंगे, आप हाथ को यहाँ कैसे रख सकते, नाइन आप हाथ को यहाँ कैसे रख सकते, नाइन वेन टेन इलेवन यहाँ कोशिश कीजिए, आप यहाँ कटिंग कीजिए, ट्वेल्व फोर्टीन यहाँ कोशिश कीजिए, थर्टीन फोर्टीन राइट, तो राइट लेग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे रेज करेंगे बजाय लेग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे यहाँ रेज करेंगे बजाय अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ देखिए 16 टाइम आपको सीधा रखना, तो इस तरह से हमने देखा फाइव डिजाइन, इस तरह से राइट देखा फाइव को हमने रेज कर रहे हैं, राइट 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 साइड को हमने रेज कर रहे हैं, राइट साइड को कर रहे हैं। हमने जा रहे हैं साइड वीडियो में राइट लेज को, हम थाई को पिछले वीडियो में राइट रंजन दिया था, अब राइट लेफ्ट थाई को इसी लेज से रंजन दिया था, हम खड़े अब आइए लेफ्ट को करते हैं, आप हाथ को सेम प्रारंभिक हरकत में हम खड़े हो गए, यहाँ रख सकते हैं, आप हाथ को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये आपके यहाँ रख सकते हैं, निर्णय का विषय है, यहाँ रख विकल्प है, ये आपके, तो आइए हम निर्णय का विषय है, आपका लेफ्ट लेग को अपने दोनों हम घुटने को यहाँ रख के करते हैं, लॉक्ड रख लेफ्ट लेग को अपने दोनों जितना ऊपर ले जा सकते हैं, लॉक्ड रखना टू जितना ऊपर ले जा सकते हैं, फोर टू इसे आप ब्रिथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इसे आप ब्रिथ से कनेक्ट करना चाहते हैं जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इनहेल की तो आप एक्सहेल, इस तरह से जब हम ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हम इस तरह प्राणायाम ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो हमें प्राणायाम का भी फायदा फायदा हो जाता है, सेवन सिक्स एट सेवन नाइन एट टेन और यहाँ इलेवन ट्वेल्व इसी को यहाँ इलेवन थर्टीन ट्वेल्व इसी को यहाँ फोर्टीन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन यहाँ रख सकते हैं, ये आपके निर्णय का विषय है, यहाँ रखा विकल्प है, ये आपके, तो आइए हम निर्णय का विषय है, आपका लेफ्ट लेग है अपने दोनों हम घुटने को यहाँ रख के करते हैं, लॉक्ड रख लेफ्ट लेग को अपने दोनों जितना ऊपर ले जा सकते हैं, लॉक्ड रखना
टू जितना ऊपर ले जा सकते हैं, फोर टू इसे आप ब्रिज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इसे आप ब्रिज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इनहेल की तो आप एक्सहेल इस तरफ और अंदर की ओर आ रहे हैं तो इनहेल की इस तरफ शामिल कीजिए। बारी बारी से हमने राइट लेग रेज किया, मैं शामिल कीजिए। बारी बारी से हमने 16 टाइम राइट लेग और किस 16 के लेफ्ट लेग किया आप 3 टाइम 3 बार और किस 16 के 16 लेग को आप 3 से 3 बार बना सकते हैं, यानी कि 16 लेग को 3 से बना सकते हैं। डबल ऑफ आवर हिब्रिड खड़े हो जाएंगे, इसके लिए हम दो डबल ऑफ या उससे भी ज्यादा खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए तो अपने दोनों हाथ उससे भी ज्यादा आप खड़े हो जाइए, टर्न होना अपने दोनों हाथ यहाँ टर्न होइए और लेफ्ट हाथ टर्न होना यहाँ लेफ्ट टर्न होइए और ये हाथ ये इस तरह से जितना आप खींच सकते हैं ये यहाँ यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, ये जहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, ये आपको पैर भी टर्न करना है, ताकि आप अपने लेग मसल को पैर भी टर्न करना है इन्वॉल्व करा, ताकि आप अपने लेग मसल को भी इन्वॉल्व करा, ये ओवर हेड इस तरह से शिफ्ट कीजिए, ये इस तरह से शिफ्ट कीजिए, हम बीच में सीधा और फिर टर्न, हम बीच में सीधा और फिर टर्न, ये आप इसे सांसों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे सांसों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, यहाँ लेफ्ट टर्न भैया और ये हाथ इस तरह से इतना लेफ्ट टर्न भैया और ये हाथ इस तरह से जितना आप खींच सकते हैं, ये यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, ये ओवर हेड ये ओवर हेड इस तरह से शुरू कीजिए, ये इस तरह से शुरू कीजिए, ये ओवर हेड रिच आप हमारे साथ कर रहे थे, ये ओवर हेड रिच आप हमारे साथ कर रहे थे, इन आउट करेंगे मित्रों, स्क्वाट की हमने बेसिक वर्सन कर चुका है हमारी सीरीज में स्क्वाट की, जिसमें मोर देन 20 का इफेक्ट, इन आउट करेंगे आज हम स्क्वाट की आउट बेसिक वर्सन इसमें हमें कर चुका है हमारी सीरीज में स्क्वाट, हमें अब डबल 20 का इफेक्ट हमें क्या करना, हमारा ये स्क्वाटिंग पोजीशन हमें अपने डबल स्क्वाटिंग पर और यहाँ खड़े हो जाना है, जब दो फीट के दूरी पर हाथ हमारा ये स्क्वाटिंग पोजीशन, जब हम जैसे स्क्वाटिंग को यहाँ जब खड़े होते हैं जंप करना तो पैर को टूगे हाथ ये हमारा यही स्क्वाटिंग बनी रहे, जब हम झुकते हैं तो स्क्वाटिंग पोजीशन और जब खड़े होते हैं तो पैर को भाग दिया जाता है, ये हमारा स्टार्टिंग ये इन पोजिशन करते और ये आउट, ये स्क्वाट इन, ये इन पोजिशन है और ये आउट इस तरह से आप रिदमिक कीजिए मित्रों, आउट आउट में आपको ये देखना है ये 90 डिग्री पर है, आप रिदमिक कीजिए मित्रों, आगे की ओर नहीं होना, बॉडी भी आगे की ओर नहीं, आउट में आपको ये देखना है ये 90 डिग्री पर है और ये आगे की ओर नहीं होना, बॉडी भी आगे की ओर नहीं झुकना, इन इस तरह से जैसे हम कुर्सी पर बैठे,
इन इन आउट आउट, किस तरह से हम अपने इन हाई मसल पर काम कर रहे हैं। इन बहुत ही डायनामिक है, किस तरह से हम अपने इस तरह से हाई मसल पर काम कर रहे हैं। और यहाँ डायनामिक है जंप करना, और हाथ इस तरह से यहीं पर आपकी बनी रहती है। जब हम झूलते हैं तो स्क्वाटिंग को यहाँ, जब खड़े होते हैं जंप करना तो पैर को चीजिए, हाथ ये हमारा यहीं पर आपकी बनी रहती है। जब हम झुकते हैं तो स्क्वाटिंग पोजीशन, और जब खड़े होते हैं तो पैर को भाग देते हैं, तो ये हमारा स्टार्टिंग है। ये इन पोजीशन स्टार्टिंग, और ये आउट है, ये स्क्वाट इन, ये इन पोजीशन है, और ये आउट है, ये जैसा कुर्सी पकड़े इन आउट, इन इस तरह से जैसा कुर्सी पकड़े इन इन आउट आउट, किस तरह से हम अपने इन हाई मसल पर काम कर रहे हैं। इन बहुत ही डायनामिक है, किस तरह से हम अपने इस तरह से हाई मसल पर काम कर रहे हैं। हार्ट को बहुत ही डायनामिक है कर सकते हैं। आप नियमित कीजिए, फायदा पाए कर सकते हैं, अपने हार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप नियमित कीजिए, फायदा पाए। जैक करने जा रहे हैं मित्रों, हमारे पीछे की वीडियो में आप जंपिंग जैक देखा, और स्कूल में भी हमने बेसिक जंपिंग जैक में जा रहे हैं मित्रों, हमारे पीछे की वीडियो में करते हैं जंप, आप जंपिंग जैक देखा और स्कूल में भी हमने जैक और क्लैपिंग करते हैं जंपिंग के साथ। लिफ्ट उसी का वेरिएंट है स्टेप जैक, इसमें हम साइड वाइज स्टेप लेंगे, बड़ा ही आसान है, इसे हाथ को भी ऊपर करेंगे। तो आइए लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, डायनामिक बना सकते हैं, और इसे ये जंप बड़ा ही आसान है, इसे ये नॉर्मल आइए डायनामिक बना सकते हैं, और इसे जंप करके ये नॉर्मल आइए, इसमें ये फिर एक ही पैर को ऐसे करना, और वापस ये न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ आ जाना, इसमें ये एक ही पैर को चाहे ऐसे करना, चाहे तो बड़े वापस ये न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ आ जाना, ये और तेजी से कर सकते हैं, इससे हमारे तो बड़े आसानी से अपर बॉडी पर काम हो रहे, और स्पाइन में भी कर सकते हैं, एक खिंचाव में हमारे और इसके अपर बॉडी पर हम आम स्पाइन भी हम काम कर रहे हैं। एक अगर जंपिंग जैक नहीं कर सकते, और इसके साथ वन बाय वन हमारे आम स्टेप जैक को पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर आप जंपिंग जैक नहीं कर सकते तो वन बाय वन इस स्टेप जैक को यहाँ जाना, स्टेप जैक अब चाहे बड़े आसानी से यहाँ जा सकते हैं, ये और स्टेप जैक, इससे हमारे बड़े आसानी से अपर बॉडी पर काम हो रहे, और इस टाइम में कर सकते हैं, एक खिंचाव में हमारे और पूरी अपर बॉडी पर काम हो रहा, इस टाइम में हम काम कर रहे हैं। एक अगर जंपिंग जैक नहीं कर सकते, इसके साथ वन बाई वन हमारे आम स्टेप जैक को पर भी हम काम कर जरूर अपनाइए। अगर आप जंपिंग जैक और फिर नहीं कर सकते जंपिंग जैक के वन बाई वन आधा लाओ स्टेप जैक को आप अंदर तो बन नहीं सकते, जरूर अपनाइए, और फिर जंपिंग जैक के लगभग आधा लाओ के लाभान्वित तो बन नहीं सकते। देखने जा रहे हैं मित्रों, हम सबको मालूम है जिसे विजय नहीं है पसंद, हम सब आज विजय की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा विजय, हम सबको मालूम है किसे विजय नहीं है। स्कॉट के लिए हमेशा लगभग हम सब आज 2 फीट विजय वाला आप हम शरीर के द्वारा विजय सेलिब्रेशन करते हैं, इसके लिए रिकॉर्ड स्कॉट के लिए हमें लगभग 2 फीट और डबल ऑफ पावर हिप, यहाँ देखिए खड़े हो जाएंगे स्कॉट, यहाँ
स्क्वाट स्क्वाट पोजीशन है और यहाँ स्क्वाट ये यहाँ देखिए ये स्क्वाट राइट स्क्वाट अब हम फिर से स्क्वाट में जाएंगे यहाँ स्क्वाट ये और ये जो पैर रहेगा वही हाथ अब हम फिर से स्क्वाट में जाएंगे अब लेफ्ट को ये जो पैर रहेगा वही हाथ लिया फिर से अब हाथों को खुला भी रख सकते हैं यहाँ पूरा खींचिए बिल्कुल डायगोनल अब हाथों को खुला भी रख सकते हैं यहाँ हमारे पूरा खींचिए दूसरे हाथ को डायगोनल रख सकते हैं ये स्क्वाट ये विक्ट्री पोजीशन दूसरे हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं ये स्क्वाट ये विक्ट्री पोजीशन ये पूरे शरीर को खींच दो ये जो हाथ जाएगा ये वही पैर पूरे शरीर को खींच दो तो इस तरह से जो हाथ के दौरान वही पैर तो इस तरह से विक्ट्री स्क्वाट के दौरान दौरान हम अपने वही पैर और इस तरह से अपर आर्म विक्ट्री स्क्वाट के दौरान स्पाइन को भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मसल लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन और स्पाइन के साइड बर्न भी होंगे तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही पोस्चर अपर लेना दोनों का यही कॉम्बिनेशन तो आपके साइड बर्न भी होंगे और बिल्कुल सही पोस्चर मिलेगा अपर बॉडी का एक्सरसाइज है मित्रों जिसमें मुख्यतः हम स्पाइन पर टॉर्सो पर ध्यान देते हैं इसके साथ साथ हाथों को भी टारगेट करते हैं तो अपर बॉडी का एक्सरसाइज है मित्रों दो फीट से भी जिसमें मुख्यतः हम स्पाइन पर अपने टॉर्सो पर ध्यान देते हैं इसके साथ साथ दोनों हाथ हाथों को टारगेट करते हैं और अपर पार्ट को थोड़ा जी दूरी बेंड की या दो भगवान अपने सुविधा सेम समय में लेकर जाइए राइट को दोनों हाथ यहाँ तक लाइए पैरेलल टू द ग्राउंड कीजिए फिर और अपर पार्ट पर जाइए बेंड की पैरेलल टू द ग्राउंड लाइए और सेम समय में राइट को ये बना रहेगा यहाँ इसे ब्रेथिंग से भी ऊपर जाएंगे जब हम पहले हैं तो ग्राउंड लाइए ब्रीद आउट करेंगे फिर और जब ऊपर उठ रहे हैं तो ब्रीदिंग यही बना रहेगा तब आप भरपूर फायदा उठाएंगे बगैर थके लंबे समय तक जब हम झुकते हैं कैलोरी ब्रीद होल्ड करा सकते हैं और जब ऊपर उठ रहे हैं कमी वाला ब्रीदिंग की तो आइए हम तब भरपूर फायदा उठाएंगे मिल बगैर थके अपर बॉडी लंबे समय तक यहाँ रहते हुए अपने हम कैलोरी को होल्ड करा सकते हैं आगे की ओर बेंड हाइट को कमी वाला तो आइए हम इसे करते हैं विंड मिल एल्बो जो की लेफ्ट अपर बॉडी के लिए है यहाँ रहते हुए बने रहेंगे उतना भी शुरू करेंगे फिर आगे की ओर बेंड सीधा और राइट फिर आर्म को एल्बो पर इसे लेफ्ट एल्बो पर डायनामिक भी बना लीजिए कुछ देर तक बने रहेंगे ये देखिए फिर डायनामिक सीधा फिर कीजिए जब ब्रीथ आउट यहाँ ब्रीथ आउट इसे और ये भी बना लीजिए मित्रों तीन देखिए डायनामिक टू डाउन स्पष्ट कीजिए ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट और ये कर सकते हैं इस समय के प्रैक्टिस के बाद ही अब तक कोशिश करना है यहाँ से 90 डिग्री कर सकते हैं ये और समय प्रैक्टिस के यूनिवर्सिटी को आ रहे हैं पहले अब तक कोशिश करना है वो यहाँ से 90 डिग्री बैंड टॉस और ये प्रैक्टिस करते हैं ऑल द टाइम यूनिवर्सिटी पोजीशन में है डाउट करते हुए
डाउन हो, आउट दोनों साथ साथ मूवमेंट होगी, आउट ब्रीथ आउट करते हुए आउट आउट, तो इस तरह से हमारी सराव है और आपके आउट और मसल मजबूत कर रहा बेली फैट बर्न करके जो पोस्चर चाहते हैं अट्रैक्टिव पोस्चर ये यह प्रदान करेगा। विंडमिल का अवश्य नियमित अभ्यास कीजिए। मित्रों प्रेयर पुशेस, अपने अपर बॉडी को पुशेस पुश करना है, थोड़ा सा खींचना है, जैसे हम जबरदस्ती काम कराते हैं, पुश करना है थोड़ा अपर पार्ट को। मित्रों और इसके साथ ही पुशेस अपने अपर बॉडी पे काम करना है, टो पर आ पुश करना है, थोड़ा सा खींचना है, जैसे हम जबरदस्ती काम कराते हैं, पुश करना है थोड़ा अपर हम स्लो और इसके साथ ही को रेज कर रहे हैं, उससे साफ मसल पर भी काम कर रहे हैं, टो पर आ जाना है हमारे बैलेंसिंग और यहां जितना आराम से जब इसका पुश कर है ये और ये हम स्लोली बॉडी को रेज कर रहे हैं, उससे झटका हुआ और ये वापस सांस के ऊपर और यहाँ जितना आराम से जा सकते इसे ही हम फास्ट करें। मित्रों आइए आप हमारे साथ फास्ट कीजिए, सांस कटिंग प्रेयर का प्रेयर पोजिशन में है, यहाँ वापस सांस को और ये लेता यहाँ इसे ही हम फास्ट करने जा रहे हो। आइए आप हमारे साथ फास्ट कीजिए, कटिंग होता हुआ प्रेयर बॉडी प्रेयर पोजिशन में है, प्रणाम और ये लेता हुआ यहाँ फिर से वापस पीछे। जब आप प्रेयर पोज में आते हैं इन दोनों पर ध्यान देना है, ये दोनों अंगूठा को छोड़ता हुआ हमारे अंगूठा जो कि बॉडी हमारा कंठ होल्ड हो रहा सीधे में सांस को लेता हुआ और ये दोनों आर्म से ये वो प्रेयर पोज में आते हैं इन दोनों पर ध्यान देना है, ये दोनों अंगूठा तब हमें हमारे अंगूठा आध्यात्मिक लाभ होगी, कंठ में हम अपने आत्मा को खोना चाहिए प्रणाम कर, ये दोनों आर्म्स जो ये यहाँ चेस्ट को सपोर्ट करते आना चाहिए, तब हमें प्रेयर पोज आध्यात्मिक लाभ होगी इसके मिलते हैं, ये हम अपने आत्मा को प्रणाम करते बोलते हैं। प्रेयर से आप ब्रीदिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आप देखिए कटिंग ये इस तरह से आप ब्रीदिंग आपसे अगर कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर रेज नहीं हो पा रहे देखिए तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन भी देख लीजिए ये है और ये सिर्फ अपर बॉडी आपको अगर आर्म पर रेंज नहीं हो पा रहे कर लीजिए तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन भी देख लीजिए ये है इसका और ये हाइड वर्जन अपर बॉडी इसका आर्म यहाँ पर कर लीजिए और ये और फिर उससे नीचे इसी का एडवांस आप इसका धीरे धीरे हाइड वर्जन ये प्रेयर पुशेस का ये हो गया यहाँ पर ब्रीदिंग से भी सिंक्रोनाइज कीजिए अगर कर पा रहे हैं तो इसी का एडवांस आप यह है प्रेशर लेग्रेज भी कीजिए प्रेयर ये पुशेस प्रेशर ये हो गया प्रेयर पुशेस कीजिए और से भी सिंक्रोनाइज कीजिए इसमें हम कर पा रहे हैं खुल गए शोल्डर सॉकेट पर यह है प्रेशर इसके साथ प्रेयर मार्क को भी शामिल है सर प्रेयर पुशेस कीजिए बन और अपर पर इसमें हमारा हिप चेस्ट खुल गए सबका लाभ आपको मिलेगा पर हम काम प्रेयर पुशेस के साथ देंगे नियमित हाथ को भी शामिल कर रहे हैं आध्यात्मिक भी बन रहे हैं इस पर को आभार भी प्रकट कर रहे हैं सबका लाभ आपको मिलेगा प्रेयर पुशेस से जा रहे हैं क्योंकि यह एडवांस कैटेगरी का है। अगर आप स्क्वाट में बिल्कुल पारंगत हो गए हैं तब आप इसके लिए हम 2 फीट की दूरी में आ गए एडवांस कैटेगरी का है। अगर आप स्क्वाट में बिल्कुल पारंगत हो गए हैं तब आप बड़ा इसके लिए हम इसलिए आपको देखना है दूरी में जब आप किक मार रहे हैं हाँ तो आपके स्कर्ट आ गए और स्ट्रेट हो जाने ये स्क्वाट बड़ा ही है किक हार्ड है इसलिए आपको देखना है जब आप किक मार रहे हैं तो आपके पार्ट एंड नी स्ट्रेट हो जाने आप कर सकते हैं बड़ा ही है हार्ड है आपके प्रयास जांग पर भी और पार्ट नी को दोनों को एक्टिव हेल्प कर रहा है पार्ट स्पॉट के तो फायदे हो ही रहे पार्ट साथ साथ आपके कोर मसल कर सकते हैं
किस एज हो रहे हैं क्या? स्पॉट टाइम जांघ पर भी और इसके साथ आपके शरीर में बैलेंस भी आ रहा है। स्पॉट के तो फायदे हो ही रहे हैं, ये है हमारे साथ साथ और आपके किक कोर मसल भी ये स्पॉट एज हो रहे हैं। किक स्पॉट टाइम किक इसके साथ ही आपके शरीर में इस बैलेंस को देखना है कि जब आप किक मार रहे हैं तो आपके ये है हमारे और स्ट्रेच हो जाने का ये स्पॉट बड़ा ही है किक हार्ड है बड़ा एडवांस है। इसमें आपको देखना है कि जब आप किक मार रहे हैं तो आपके नी स्ट्रेच हो जाने का बड़ा ही है हार्ड है। साथ साथ आपके कोर मसल भी इंगेज हो रहे हैं। स्क्वाट है किक इसके साथ ही आपके शरीर में बैलेंस भी आ रहे हैं। ये है हमारे साथ साथ आपके स्क्वाट एंड कोर मसल भी बड़ा इंगेज हो रहे हैं। हार्ड है स्क्वाट है एडवांस कैटेगरी का है स्क्वाट इसके साथ ही आपके शरीर में बैलेंस भी आ रहे हैं। ये है हमारे स्क्वाट एंड किक बड़ा ही हार्ड है रफाइज का टेबल का है स्क्वाट बर्फी का भी अगर हासिल बर्फी नहीं कर पा रहे हैं तो आइए आपको हम बताते हैं आप स्लो बर्फी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मित्रों बर्फी यह एक्सरसाइज के निचोड़ है सूर्य नमस्कार की तरह है इसमें कई शामिल होते हैं तो आइए हम सीधा स्लो बर्फी करते हैं। स्लो बर्फी अगर आप बर्फी नहीं कर पा रहे हो तो आइए आपको हम बताते हैं आप स्लो बर्फी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मित्रों बर्फी यह एक्सरसाइज के निचोड़ है सूर्य नमस्कार की तरह इसमें कई इवेंट शामिल होते हैं तो आइए हम सीधा स्लो बर्फी करते हैं। इसमें यह हमारा प्रारंभिक स्थिति और यहाँ हम आप आ जाइए करेंगे स्ट्रेच कर सकते हैं आगे कीजिए कीजिए और यहाँ और ये बेंड हो जाइए ये और एक पैर को यह एक सेट हो गया इसी तरह से ये करते हैं पोजीशन में एट टाइम आप आइए ऊपर ठीक है मित्रों ये सूर्य नमस्कार से मिलता जुलता है और यहाँ स्ट्रेच ये बेंड फॉरवर्ड हो गया यह समय लेफ्ट लेग पर किए थे राइट लेग पर इसी तरह से हम ये करते हैं एट टाइम्स स्लो बर्फ तो पीछे लेके है मित्रों प्लैंक सूर्य नमस्कार से ही मिलता जुलता है ये यहाँ आपको ध्यान देना है फॉरवर्ड ये तीनों उंगलियां टोच और दोनों हमें लेफ्ट लेग को किए थे राइट लेग पर आगे वापस और ये हाथ धीरे धीरे स्लो तो पीछे लेके एक प्लैंक पोजिशन में एक बार मैंने यहाँ आपको ध्यान देना है ये तीनों उंगलियां टोच और दोनों हाथ कर लिया यहाँ आनी चाहिए अगर आप ये आर्मी के तौर पर इसे लेना चाहते हैं तो वर्दी को यह जरूर शामिल किया हमारे साथ ठीक है। एक बार मैंने एक बार इसे किया स्टार्टिंग टोच ये स्लो बर्फ कीजिए ये हमारे ट्रेन करते हैं ये करता हुआ करता हुआ अगर आप वार्मिंग अप एंड वर्क पर इसे लेना चाहते हैं तो वर्दी को जरूर शामिल कीजिए हमारे साथ ठीक है। ये राइट सेट से अंतिम बात तो इधर स्टार्टिंग पोज स्ट्रेच कीजिए फिर से आगे को लेते करता हुआ यहाँ एक्सेल करता हुआ फिर डाउन बेंड फिर से ऊपर फॉरवर्ड बेंड एक्सेल करते हुए राइट यहाँ तो इधर फिर से लेफ्ट और फिर से ये आगे और यह ये हमारा स्लो बर्फ यहाँ स्लो बर्फ भी और फिर डाउन को एंगेज करता लोअर पार्ट से ऊपर अपर पार्ट को करना फॉरवर्ड बेन पूर्ण बॉडी को करने वाला यह है डायनामिक एक्सरसाइज है। फिर से लेफ्ट ये और यह ये हमारा स्लो बर्फ है अपने ब्लेम करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सरे करवाते हैं पता लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पर दिन भर कम्प्यूटर
कंप्यूटर पर बैठे हुए हमारे शोल्डर एक्टिव हो जाते हैं, इनको हटाने के लिए हम बात कर रहे हैं अपने आम शोल्डर सॉकेट को, अपने आम एक्टिवेट करना। आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहते हैं हो जाता है, तो हम अपने शोल्डर को ब्लेम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, पता लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हुए हमारे शोल्डर एक्टिव हो जाते हैं, इनको हटाने के लिए हम आगे कर रहे हैं। आम डॉक्टर अपनाडल की तरफ नॉर्मल अपर बॉडी लोअर बॉडी आप आ जाएंगे स्टेट कर रहे हैं और ये फॉरवर्ड आम फॉरवर्ड फॉरवर्ड आम डॉक्टर बैकवर्ड इधर पैडल की तरफ मित्रों अपर बॉडी लोअर बॉडी आम सर्कल समझ लीजिए बॉडी अभी हम अपने फॉरवर्ड अपर पर काम कर रहे हैं, चेस्ट फॉरवर्ड आर्म कर रहे हैं, सर्कल बाकी को पीछे को बैकवर्ड कर सकते हैं, अकड़न जकड़न आ जाते हैं मित्रों, ये कंधे में हाथ में हाथ ऊपर एल्बो में नीचे फाइनल आपका आम सर्कल कहाँ है बाकी पूरा बॉडी सर्कल आम सर्कल का ये वर्षन है मित्रों, शोल्डर पर काम कर रहे हाथ को फॉरवर्ड पर भी काम कर रहे हाथ को बैक बाकी को और आ रहा है अकड़न जकड़न आ जाते हैं मित्रों, कंधे में हाथ होगा एल्बो में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका आपका संज्ञाय जहाँ है इसमें और ज्यादा फायदा है और ये पीछे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसमें और ज्यादा फायदा है बढ़ रहे हैं हमारे कंसंट्रेशन का कीजिए अपने और इसी का रिवर्स राइट अभी आगे की ओर जा रहा है ट्राइसेप राइट पीछे की ओर जाएगा और लोअर बॉडी लेफ्ट को बिल्कुल आगे फिक्स रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आम सर्कल इससे आपके कंसंट्रेशन भी बढ़ रहे हैं, आम सर्कल आप कीजिए अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए अपने ट्राइसेप ट्राइसेप को डिप कीजिए और लोअर बॉडी को बिल्कुल फिक्स रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।